कहानी अब खफा है। नहीं मैं बहुत खुश हूँ अपनी नालायकी महली पर। उमर घर में दो भांजियां साथ रहने को आई तो उन्हें मैं कुछ खिला पिला भी ना सकती। शोहराए आफाक ड्रामा सीरियल तन्हाइयां का हर किरदार और इस किरदार को निभाने वाला हर फनकार कुछ यूं लोगों के जहनों पर नक्श हुआ कि आज तक लोग याद करते हैं। इनमें एक किरदार वेडा का भी था। जारा और सानिया के बचपन के दोस्त जैन की मंगेतर का ये रोल खासा मुनफरिद था, जिसे एक जबरदस्त अदाकारा ने अपनी अदाकारी से जानदार बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यास्मीन इस्माइल की। मशरकी और मगरबी हुसन का हसीन इम्तजाज कहलाने वाली यह अदाकारा बुनियादी तौर पर थिएटर की दुनिया से ताल्लुक रखती थी, लेकिन चंद ही ड्रामा सीरियल्स बिलखुसूस तन्हाइयां में बतौर मामन अदाकारा अपनी शानदार अदाकारी से मुल्कगीर शोहरत हासिल कर ली। मगर अफसोस की जिंदगी में इतनी शोहरत और लज्जतें देखने वाली यास्मीन को जिंदगी के आखिरी अय्याम में एक बहुत ही खौफनाक बीमारी झेलना पड़ी जो उन्हें कब्र तक ले गई। तुम तैयार नहीं हो? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? सॉरी, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। क्यों? यास्मीन इस्माइल 1950 को रावलपिंडी में पैदा हुई। उनके वालिद फौज में कर्नल थे। उनका तबादला मुख्तलिफ शहरों में होता रहता था, इसीलिए यास्मीन ने मुख्तलिफ शहरों के आर्मी स्कूलों से तालीम हासिल की। उन्हीं अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की ड्रामेटिक सोसाइटी से यास्मीन को थिएटर और अदाकारी का शौक हुआ। होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद यास्मीन ने थिएटर ही में काम करने का फैसला कर लिया। उस जमाने में थिएटर आज के थिएटर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। थिएटर को बहुत महज़ब सुलझी हुई और म्यारी तफरी समझा जाता था। फोहाशी और जुगतबाजी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। यास्मीन इस्माइल भी इसी म्यारी और आर्ट पर मुबनी थिएटर से मुंसलिक हुई। 1971 में वालिद के वफात के बाद यास्मीन मुस्तकिल तौर पर कराची में मुकीम हो गई। वहीं उनकी शादी तारिक इस्माइल से हुई। तारिक इस्माइल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर फायज थे। यूं खुशहाल घर से ताल्लुक रखने वाली यास्मीन एक खुशहाल घराने में ही ब्याही गयी। इस शादी के सबब यास्मीन को अपना शौक पूरा करने यानी थिएटर में काम करने का भी मौका मिला। उन्होंने कराची के स्टेज पर बहुत से ड्रामों में अदाकारी भी की और 24 के लगभग प्लेस में डायरेक्शन के फराइज भी सर अंजाम दिए। वो ग्रिप्स थिएटर के कराची चैप्टर की हेड भी रही। उनके ड्रामे या तो अंग्रेजी में होते थे या अंग्रेजी ड्रामों का तर्जुमा होते थे। इसके अलावा उन्होंने इमरान असलम के लिखे हुए बहुत से खेल भी पेश किए। इमरान असलम के साथ उनकी बेहतरीन वर्किंग केमिस्ट्री थी। वफात से कुछ अर्सा कबल इमरान असलम का लिखा हुआ एक ड्रामा उसामा हो तो सामने आए यास्मीन ने कराची के स्टेज पर प्ले किया। इस ड्रामे को बहुत पजीराई हासिल हुई, लेकिन बदकिस्मती से ये उनके करियर का आखिरी प्ले साबित हुआ। अगरचे यास्मीन की सलाहितों का असल मैदान थिएटर था, लेकिन वो टीवी से भी बहुत शुरू में वाबस्ता हो चुकी थी। वो 60 की दहाई के आखिरी सालों में ही टीवी ड्रामों में नजर आने लगी थी, लेकिन फिर थिएटर ने उनकी पूरी तवज्जो हासिल कर ली। यास्मीन को थिएटर का जुनून तो था, लेकिन उन्हें मुल्कगीर शोहरत बहरहाल चंद टीवी ड्रामों से ही हासिल हुई। इनमें सरे फेरिस ड्रामा सीरियल तन्हाइयां था। 1986 में पीटीवी पर नशर होने वाला ये ड्रामा सुपरहिट नहीं बल्कि मेगा हिट साबित हुआ। इसका शुमार उन ड्रामों में होता है जिसकी नशरियात के वक्त बाजारों में रश कम हो जाता और गलियां सुनसान हो जाती। हर शख्स ये ड्रामा देखने टीवी के आगे बैठ जाया करता था। हसीना मुइन के लिखे हुए इस ड्रामा की हिदायतकारी के फराइज शहजाद खलील ने सरंजाम दिए थे। लीड रोल में शहनाज शेख जबकि नुमाया कास्ट में मरीना खान सरे फेरिस थी। आसिफ रजा मीर, बदर खलील, बहरोज सब्जवारी, अजरा शेरवानी, काजी वाजिद, दुर्दाना भट्ट और जमशेद अंसारी जैसे बेहतरीन अदाकार भी सपोर्टिंग कास्ट में शामिल थे। ये सब टीवी के जाने पहचाने चेहरे और मंझे हुए आर्टिस्ट थे। इन सब के दरमियान एक छोटे से सपोर्टिंग रोल से नुमाया होना आसान काम नहीं था, लेकिन यास्मीन ने अपनी जानदार अदाकारी से ये भी कर दिखाया। अब खफा है। बहुत खुश हूँ अपनी नालायकी महली पर। उमर घर में दो भांजियां साथ रहने को आई तो उन्हें मैं कुछ खिला पिला भी ना सकती। यास्मीन ड्रामे की हीरो जैन की मंगेतर वेडा का किरदार निभा रही थी। जैन के रोल में आसिफ रजा मीर थे। वेडा को एक मॉडर्न मगर नेक दिल लड़की के तौर पर दिखाया गया। जब जैन की बचपन की दोस्तें जारा और सानिया अपने वालिदैन के साथ कराची आती हैं और जारा अपने वालिदैन का घर दोबारा हासिल करने के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू करती है, तो वेडा अपने मंगेतर की इस दोस्त की मदद करती है। बाद में जैन खुद जारा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। जैन के वालिद
इसकी शादी जल्द अज जल्द वेडा से करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेडा जैन की आंखों और रवैये में सारा के लिए गहरी मोहब्बत देख लेती है और जैन को सारा से शादी करने का कहती है। वो जैन की मोहब्बत के लिए ना सिर्फ बाखुशी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाती है, बल्कि जैन के वालिद को भी जैन की जारा से शादी के लिए मनाती है। ये एक इंतहाई मुनफरिद किरदार था जो हसीना मुइन के कलम से पैदा हुआ, लेकिन इसे जिंदगी यास्मीन इस्माइल ने अपनी जानदार अदाकारी से बख्शी। लिहाजा प्रोड्यूसर ने उन्हीं पर एतमाद किया और उन्होंने इस एतमाद को पूरी तरह जस्टिफाई किया। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, सुना तुमने? क्यों नहीं, फजूल बातें मत करो। टेलीविजन पर यास्मीन इस्माइल के दिगर नुमाया ड्रामा सीरियल्स में घर, दफ्तर और हम, अना और तपिश के नाम जैसे संजीदा ड्रामे भी शामिल हैं। निशाने हैदर पाने वाले वतन के बहादुर सपूत शहीद राशिद मिनास की जिंदगी के हवाले से बनाए जाने वाले यादगार ड्रामा की कास्ट में भी यास्मीन इस्माइल शामिल थी। ये ड्रामा आज तक शौक से देखा जाता है। यास्मीन एक वर्सेटाइल अदाकारा थी, इस बात का सबूत मजाहिया ड्रामा सीरीज फैमिली 93 में उनकी अदाकारी से मिलता है। यास्मीन के करियर के आखिरी बरसों की एक यादगार परफॉर्मेंस ड्रामा सीरियल देश परदेश में थी। तस्मीना अहमद शेख और नादिया खान जैसी राइजिंग स्टार्स के साथ बनने वाला ये ड्रामा बहुत मकबूल हुआ था। ड्रामे का मौजू बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से था। ये अपनी तर्ज का एक मुनफरिद ड्रामा था जिसे हसीना मुइन ने तहरीर किया और अली रिजवी ने डायरेक्शन के फराज सर अंजाम दिए। यास्मीन शेख इस ड्रामे में नादिया खान की माँ के रोल में नजर आई, जो सारा का यादगार किरदार निभा रही थी। उनकी अदाकारी ड्रामे की सारी कास्ट से सबसे ज्यादा जानदार नजर आती। तुम स्कॉटलैंड नहीं जाओगी साना। क्यों? मैंने जो कह दिया इसलिए। क्यों, क्या होता? हर बात की वजह बतानी जरूरी है क्या? देश परदेश 1999 में नशर हुआ। उस वक्त ये खूबसूरत अदाकारा एक मूजी मर्द से बहुत बहादुरी के साथ जंग लड़ रही थी। यास्मीन इस्माइल को बच्चा दानी का कैंसर था। वो 5 साल तक इस बीमारी से लड़ती रही। इस दौरान उन्होंने अपना घर भी संभाला, अदाकारी भी जारी रखी और खुद को भी मजबूत रखा, लेकिन फिर बिलाखिर वो जनवरी 2002 की एक सर्द सुबह इस दुनिया से इंतकाल कर गई। उनके पसमानदगान में 22 साल बेटा अमल इस्माइल और 18 साल बेटी सिला इस्माइल शामिल हैं। लेकिन यास्मीन के वफात पर पूरी शोबिज इंडस्ट्री और लाखों मद्दा सोगवार थे। यास्मीन के बेटे अमल इस्माइल अब 40 साल के हो चुके हैं और अपने वालिद की तरह फार्मास्यूटिकल बिजनेस से वाबस्ता हैं। सिला इस्माइल ने कराची के मुमताज इदारे इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर से ग्रेजुएशन की और अब उनकी उम्र 34 साल के लगभग है। उनकी वालिदा, जिन्हें दुनिया एक अजीम फनकारा और उनके कुलीग्स एक बेहतरीन इंसान के तौर पर जानते हैं, DHA कराची के फौजी कब्रिस्तान में मदफून हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कामिल मफरत फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा।